हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमाज ऑल इन वन चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ यहाँ पे एक लूडन्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो बच्चों के टिफिन के लिए रेसिपी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लूडन्स बॉईल कर ले ली हैं। आपको जितना चाहिए उतना बॉईल कर ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुले खुले हमारे लूडन्स बॉईल हो चुके हैं और हाथ से प्रेस करने के बाद ये टूट जाते, इतना हमको इसको कुक करना है। नमक और ऑयल में, नमक और ऑयल डालकर इसको बॉईल किया है। और यहाँ पर मैंने एक कप गोभी और एक कप शिमला मिर्च कट कर रख दी है। यहाँ पे अभी मैं कढ़ाई रखी हूँ, तभी चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ठंडा, हल्का सा नमक डाल देंगे जीरो। इसको कर लेंगे मिक्स, अच्छे से इसको भून लेंगे। यहाँ पर ये अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम लोग इसको निकाल कर लेंगे। वापस यहाँ पे अभी हम लोग ऑयल डाल देंगे और इसमें ये वेजेस कट कर ले लिए थे वो डाल देंगे। बस 5 मिनट तक सॉफ्ट होने में भून लेंगे पहले। यहाँ पर हम लोग इसमें डालेंगे ग्रीन चिली कट कर। आप इसको मिक्सर में पीस कर भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से ध्यान रख कर लेंगे यहाँ पे मिक्स। वेजेस थोड़े हाई फ्लेम पे भून के ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें हम लोग डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन और कुटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। अब ये हो गया अच्छे से मिक्स। अभी गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, ये ग्रीन चिली सॉस और 1 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे हम लोग 1/2 टेबल स्पून के आसपास विनेगर। फिर हम लोग डालेंगे सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून हम लोग सोया सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले अब हमने गैस की फ्लेम स्लो रख दी है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे नूडल्स जो बॉईल किए हुए थे वो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम लोग पहले नमक डाल लेते हैं। नूडल्स बॉईल करते वक्त भी हम लोग ने नमक डाल दिया था, अभी हम लोग वापस इसमें डाल रहे हैं नमक। आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। तो यहाँ पर हमारा नूडल्स अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसमें एग डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कोई एग खाता नहीं होगा ये ऐसे भी खा सकते हैं। हमारे नूडल्स अभी बनकर रेडी है, इतना माशाल्लाह दिख रहा है वो। अभी इसमें हम डाल रहे हैं जो हम लोग ने फ्राई कर ले लिया था वो अंडा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो वेज खाते हैं तो ये अंडा डालने से पहले निकाल लेना है। हम लोग ने कढ़ाई अंडा फ्राई करने के बाद धो कर ले ली थी, और उसके बाद फिर अभी ये
एक वाला इसको अंडा है ना अच्छे से इसको फोड़ लेना है। तो ये अच्छा दिखता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एग लुढ़क बनकर रेडी है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।